हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एकदम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका नाम है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये दोस्तों टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए जो कि MBA BBA इस तरीके के कोर्सेज को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा उतने ज़्यादा आसान शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, जिस तरीके से मैंने चीज़ों को समझा है। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वहां पर, मैंने यहाँ पर आपके लिए पूरी की पूरी PPT वगैरह बना करके रखी हुई है। ठीक है, तो आपको एकदम टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत डिटेल के साथ में जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप प्रिपेयर करते जाओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि मैनेजमेंट प्रैक्टिस का बारे में बताओ, प्रेजेंट में कैसा था मैनेजमेंट और पास्ट में, मतलब पास्ट में कैसा था और प्रेजेंट में कैसा है मैनेजमेंट। ठीक है, और इस तरीके से भी पूछा जाता है कि आप मैनेजमेंट से क्या समझते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, और हमको एक्चुअल में मैनेजमेंट का सबसे पहले हमको मतलब समझना होगा कि मैनेजमेंट मतलब होता क्या है। जैसा कि यहाँ पर जो बुक का नेम है वो है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, बुक का नाम से ही हमको पता चल रहा है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैनेजमेंट का मीनिंग समझते हैं, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, बिना मैनेजमेंट के हमारी लाइफ क्या है दोस्तों, बेकार है ना। लेट सपोज कि बहुत सारे आप लोगों ने टर्म सुने होंगे, जैसे टाइम का मैनेजमेंट करना, हाउस का मैनेजमेंट करना, और कोई भी इवेंट प्लान हो रहा है, कोई भी शादी है किसी की घर पे, ठीक है, उसका भी मैनेजमेंट करना है, या फिर आपको अपने स्कूल का, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, कोई भी कंपनी चला रहे हो, रन करा रहे हो, तो वहाँ सब जगह आपको मैनेजमेंट देखने को ही मिलता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ऐसा कॉमन टर्म है जो कि हर जगह पर अप्लाई होता है, और बिना इसके हमारे जो लाइफ है, वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स विदाउट मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट के बिना हमारी जो लाइफ है वो क्या है, एकदम जानवरों की तरीके है। क्यों? क्योंकि देखो, मैनेजमेंट की जगह पर अगर मैनेजमेंट से हम अपने टाइम को, शेड्यूल को बना सकते हैं, ठीक, अपने टाइम मैनेजमेंट को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं कि हमको कितने बजे सोना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे उठना है, ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। वहीं कोई भी हम इवेंट को प्लान करने जा रहे हैं, तो इवेंट को करने के लिए हम कोई भी मैनेजमेंट करेंगे, हमको कौन सा डेकोरेशन किस जगह पर कैसे लगाना है, ठीक है, कोई भी किसी तरीके का मैनेजमेंट हो सकता है। उसी तरीके से घर की अगर बात करें, तो घर में जो भी हमारी मदर्स होती हैं, जैसे हमारी मम्मी लोग होती हैं, तो क्या करती हैं, वो लोग मैनेजमेंट करती हैं। उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता कि कितने अच्छे तरीके से, कितने कम पैसों में घर के खर्च को चलाया जाए। ठीक है, तो ये भी क्या है, हाउस मैनेजमेंट, मतलब कि होम का कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो ये सारा, दिस वॉज ऑल अबाउट जो हमारी पूरी लाइफ है वो क्या है, मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि पास्ट में मैनेजमेंट कैसा था और प्रेजेंट में मैनेजमेंट कैसा है। तो देखो, पास्ट में भी मैनेजमेंट हुआ करता था, ये कोई आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि अगर आप सोचो कि एक एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि अगर आप सोचो कि कोई भी आगरा का ताजमहल भी होगा ना, तो पुराने समय पर उसको भी बनाने के लिए क्या होगा, मैनेजमेंट को ही किया गया होगा। हो सकता है उतने ज्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट मैनेजर्स नहीं हो जितने ज्यादा आज के लोग हैं, बट फिर भी मैनेजमेंट कराने वाले तो मतलब उस टाइम पर भी रहा करते होंगे ना, तो तभी जाकर के वो इतना अच्छा, मतलब सुंदर सी इमारत बन पाई है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब कि ये आज की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराने समय से चलता चला आ रहा है। अब हम लोग इसके थोड़ी सी प्रोफेशनल मीनिंग देख लेते हैं, जिससे कि हमको क्या हो दोस्तों, आसानी हो लिखने में, एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, तो अगर बुकिश नॉलेज की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बुक में क्या, जो भी डिफिनेशन लिखे उसके अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, इसको तो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको बुक के टर्म्स में समझते हैं कि बुकिश नॉलेज किस क्या बोलती है। ठीक है, तो देखो, कभी भी मैनेजमेंट का आपको वो आता है, कुछ भी लिखने के लिए आता है, तो आपको क्या करना है, दो डिफिनेशंस पॉपुलर हैं, एक आर्ट की और एक साइंस की। कौन सी दो डिफिनेशंस हैं, एक आर्ट की है और दूसरी क्या है, साइंस की है हमारी। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट नंबर वाली है वो आर्ट की कौन सी है, जिसको एक दोस्तों बहुत ही पॉपुलर, मतलब कि एक स्कॉलर है जिनका नाम है मैरी पार्कर करके, फॉलेट करके है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट की डिफिनेशन है वो है गेटिंग आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन सो पीपल्स, मतलब कि
दूसरों से काम कराने की कला को ही क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल्स, मतलब कि दूसरे लोगों से काम कराना क्या है, हमारा मैनेजमेंट है, ठीक है, जो कि कुछ हद तक, काफी हद तक सही है, बट काफी हद तक गलत भी है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, वो पूरे एक एक वर्ड को हम लोग पढ़ते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को डिफाइन करना बिल्कुल ही कठिन काम है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी डिफिनेशन पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि ये डिफिनेशन होती है मैनेजमेंट की और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट एकदम सही है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो दिन पर दिन जो भी मैनेजमेंट है, पहले के समय पे मैनेजमेंट कुछ और था, और अभी देखो नया कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, हम लोगों ने मैनेजमेंट को प्रोफेशनल की तरीके से जोड़ दिया है, ठीक है। अब जो भी मैनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। पहले के समय में एक बिजनेसमैन जो होता था वो एक बिजनेसमैन होता था, बट अभी का जो भी बिजनेसमैन होता है, अगर वो नहीं पढ़ा लिखा होता है तो वो एक पढ़ा लिखा अच्छा खासा मैनेजर को रखता है जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करा सके, है ना। तो प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो मैनेजमेंट का भी बहुत योगदान है, ठीक है। तो यहां पर बताया क्या जा रहा है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सली, कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड की गई हो, लेकिन यहां पर एक स्कॉलर है मैरी पार्कर फॉलेट करके, जिनकी डेफिनेशन को बहुत ही पॉपुलर माना जाता है, और वो क्या बोलती हैं कि इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन सो पीपल्स, मतलब कि लोगों से काम कराने की कला को ही क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इनकी डेफिनेशन के अंदर देखिए दो गलतियां एक तो निकल करके आती हैं, एक तो इन्होंने इस चीज़ को आर्ट बोल दिया, ठीक है। आर्ट क्या होती है दोस्तों, आर्ट का मतलब होता है कला जो कि पैदाइशी होती है, ठीक है। जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये कला या तो डेवलप करी जाती है या फिर कोई लोग होते हैं पैदाइशी होते हैं, ठीक है। पहले से एकदम वो नॉलेजबल स्किल, मतलब कि एकदम उस तरीके की उनको आर्ट के बारे में पता ही होता है, ठीक है। एकदम मतलब पैदा होते ही उनको ये होता है कि इनको गॉड गिफ्टेड होते हैं, है ना, इस तरीके से। तो आर्ट का या तो मतलब होता है कि या तो उस तरीके की स्किल्स को डेवलप करो या फिर आपके मतलब एकदम पैदाइशी हो, जब गॉड गिफ्टेड हो उस तरीके की आर्ट को, ठीक है। तो ये जो आर्ट इन्होंने वर्ड यूज़ किया, ये भी काफ़ी ज़्यादा खटकता है, ठीक है, लोगों के दिमाग में। अब देखो दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि केवल देखो दूसरे लोगों से काम करा करके कोई भी मैनेजर नहीं बन सकता, ये भी बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो द डेफिनेशन डज नॉट थ्रो लाइट्स ऑन द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स, केवल अगर आप दूसरे लोगों से काम करा लो तब आप भी, तब पर भी आप अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये दो गलतियाँ हैं जो कि मैरी पार्कर फॉलेट की हैं, इनके ये जो डेफिनेशन दी गई थी ये यहां से गलत साबित होती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है काफी हद तक सही है, बट फिर भी इसको इस डेफिनेशन के अंदर चेंज करते हुए एक नए हमारे स्कॉलर आए जो कि जिनका नाम है जॉर्ज आर टेरी, ठीक है, जॉर्ज आर टेरी। इस तरीके से अगर आप रेफरेंस दे दे करके लिखोगे ना तो आपकी डेफिनेशन को कोई भी नहीं काट सकता है, ठीक है। और वही लिखना जो भी यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ही छोटा सा है डेफिनेशन का पार्ट, ठीक है, उसको कवर कर लेंगे, बाकी आप अपने मन से भी बना करके देख सकते हो। इतनी बड़ी मैंने स्टोरी आपको बता दी कि मैनेजमेंट होता क्या, हम इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, इस तरीके की सारी चीज़ों को आप अपने मन से अपने आसान से वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पर देखो जो भी जॉर्ज आर टेरी हैं वो काफी एक ज्यादा मोर एलेबोरेट डेफिनेशन को देते हैं, और इनके अकॉर्डिंग जो भी मैनेजमेंट है वो क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इसमें से अगर हम कोई भी चीजों को थोड़े से एडिशनल वर्ड्स को जोड़ दें, जैसे कि लाइक प्लानिंग, कोई भी हमको मैनेजमेंट करना होता है, जैसे कि हमको कोई भी इवेंट, हमारे घर में कोई शादी है तो हमको उसकी सबसे पहले क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है, फिर उसको ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या करना होता है, एक्यूटिंग। एक्यूटिंग का मतलब कि लोगों को भी क्या करना होता है, मोटिवेट करना होता है, ठीक है। एक्यूटिंग का मतलब क्या है कि लोगों को मोटिवेट करना। लोगों को मोटिवेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के काम नहीं चलेगा, है ना। बिना मोटिवेट किए लोगों को हम उनसे काम तो करवा सकते हैं बट काम के अंदर क्वालिटी नहीं लेके आ सकते, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोलिंग, कि जो लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स, और अपने जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करना बाय द यूजर्स ऑफ पीपल और रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास में लोग हैं, जितने भी हमारे पास में साधन हैं, उन सभी साधनों से, उन सभी लोगों से हमको अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, और इन चार स्टेप्स को फॉलो करके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। तो यही हमारी मैनेजमेंट की एकदम बेस्ट डेफिनेशन है और साइंस की डेफिनेशन है, मतलब कि इससे पहले जो मैरी पार्कर फॉलेट ने जो दी थी वो क्या थी, वो आर्ट की डेफिनेशन थी, जो कि बहुत ही मतलब एक तरीके से उसको सीमित बोल सकते हैं,
बट यहाँ पर जो जॉर्ज आर टेरी की डिफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एलेबरेट है, ठीक है। प्रैक्टिकली नॉलेज से देखा जाए तो आज के समय में ये इनकी ज़्यादा डिफिनेशन कारगर होती है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बढ़िया से, नहीं तो आपको पीडीएफ का जो भी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर